हेलो हेलो। हमें आपने यूसुफ भाई से ऐसी बात क्यों की? मेरे यूसुफ भाई के साथ ना फैमिली टर्म्स है। मैं आपकी और यूसुफ भाई की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे को लगा कि इस तरह की बात सबसे पहले यूसुफ भाई से ही करनी चाहिए। इसलिए भी क्यों? आपको पता है कितना शर्मिंदा करवाया आपने मुझे भाई के सामने। शंभो, मैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। मैं सीधी बात करता हूँ। और सीधी बात यह है शंभो कि मैं आपको पसंद करता हूँ। आपकी दोस्ती मेरे लिए बहुत अजीज है। मेरे दिन की सबसे फेवरेट चीज़ आपको मालूम क्या है? जब मैं यहाँ पार्क में आता हूँ और वॉक करता हूँ और आपसे बात करता हूँ। मैंने यूसुफ भाई से इसलिए बात की कि आपकी राय जान सकूं। अभी रिश्ते को कबूल करना नहीं करना, उसका पूरा हक आपके पास है। ये रिश्ता कैसे हो सकता है? ये नहीं है मुमकिन। क्यों नहीं हो सकता? क्या अच्छा लगेगा हमें? मैं सच समर के दुल्हन बनूंगी, आप दूल्हा बन के आएंगे। भाभियां क्या कहेंगी, लोग क्या सोचेंगे? अभी हम अपनी जिंदगी में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इसका फैसला कौन करता है? मैं आपको एक बात बताऊं शंगो, 20-22 में शादी, 23-24 में बच्चे, और पूरी जिंदगी जो है वो बच्चों और फैमिली में गुजारता। और 45-50 में जब बच्चे अपनी जिंदगी शुरू करें तो हमारी जिंदगी का क्या खत्म? जब इंसान तना होता है ना तो जिंदगी बहुत लंबी लगती है। मैं शाम को जब घर वापस जाता हूँ तो तन्हाई मेरे को काटती है। अगर आप अकेले ऐसे जिंदगी गुजारने में खुश हैं तो आपकी मर्जी, आपकी चॉइस है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हो ना तो जिंदगी बहुत हसीन हो जाती है। मेरे लिए वो पार्टनर आप हो। आपका जो भी फैसला हो वो आप यूसुफ भाई को बता देना, मुझे कबूल हो, और मैं हमेशा आपकी दोस्ती की कदर करूंगा शंको। जहां तक ये बात रही कि लोग क्या कहेंगे तो मेरे को कोई परवाह नहीं। मेरे को परवाह है तो सिर्फ आप। अब मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा, ठीक है भाई? हमें तेरी Oh.